हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब सिस्टम गहरी नींद में सोता है तो फिर फैक्ट्री से लीक हुई गैस ऐसे ही लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला देती है। मुआवजा दीजिए, मरने वालों के परिवार के लोगों को नौकरी दीजिए, जांच कमेटी बनाइए, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलिए, लेकिन इससे मरने वाला लौट कर नहीं आने वाला। उन मासूम बच्चों का क्या दोष था जो तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे, वो भी इसीलिए कि एक कंपनी अपने पॉलीमर बनाने की फैक्ट्री की देखभाल नहीं कर पाई। इसके लिए भले ही लॉकडाउन को जिम्मेदार बताया जा रहा हो, लेकिन क्या उस फैक्ट्री के प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो लॉकडाउन में फैक्ट्री की गैस और उसको रखने वाली मशीनरी की जांच करता? ये क्यों नहीं सोचा गया कि फैक्ट्री बंद रहने से केमिकल रिएक्शन हो सकता है? हालांकि अब सुकून इस बात का है कि गैस के रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है। अब ये रिपोर्ट देखिए। विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव के जो लोग खुशकिस्मत थे, उनकी नींद ऐसे ही सायरनों की वजह से आज खुली, और जो नहीं जाग पाए वो नींद में ही मारे। पहला सवाल ये कि गैस लीक कहां से हुई? जवाब ये है कि गैस विशाखापट्टनम की एलजी की इस फैक्ट्री के अंदर 5000 टन के दो टैंक से लीक हुई। दूसरा सवाल ये कि कौन सी गैस लीक हुई? फैक्ट्री से स्टायरीन गैस का लीकेज हुआ। तीसरा सवाल, ये गैस लीक कैसे हुई? जवाब यह है कि लॉकडाउन की वजह से टैंक का रखरखाव करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और गैस लीक हुई। चौथा सवाल, गैस लीक से कितने लोग प्रभावित हुए? आंध्र प्रदेश के डीजीपी के मुताबिक करीब 1500 परिवारों के 3000 लोगों की जनसंख्या इस गांव में रहती है। पांचवा सवाल, गैस का प्रभाव कितनी दूर तक था? करीब 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में गैस फैली। छठा सवाल, गैस लीक होने से लोगों को क्या क्या समस्या हुई? लोगों को सांस लेने में समस्या हुई, वो बेहोश होने लगे, आंखें जलने लगी। सातवां सवाल, पुलिस को गैस लीक होने की सूचना कब मिली? पुलिस को सुबह 3:30 बजे गैस लीक की सूचना मिली। आठवां सवाल, गैस लीक की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्या किया? 10 मिनट में पुलिस गांव में पहुंची, चारों तरफ धुआं था। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर अनाउंस करके लोगों को जगाना शुरू किया। नवा सवाल, लोगों को नींद में गैस लीक का पता क्यों नहीं चला? ये गैस मीठी होती है, दुर्गंध वाली नहीं होती, इसीलिए लोगों को पता नहीं चला। इसी फैक्ट्री से गैस का लीकेज हुआ था। ये लीकेज रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ। पुलिस को सूचना 3:30 बजे मिली और ये तस्वीर सुबह के वक्त की है। तब भी फैक्ट्री से गैस का रिसाव हो रहा है, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च यानी भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर से बात की कि क्या ये गैस खतरनाक मानी जा सकती है। क्योंकि एक बार ये रिलीज हुआ, इसको अक्यूट एक्सपोजर बोलते हैं, तो इसमें मानव शरीर पे अगर बहुत ज्यादा एकदम से किसी ने, और ये स्वीट किस्म की महक इसमें होती, तो लोग को अंदाज नहीं लगता, क्योंकि सवेरे 2:30 बजे लगभग ये घटना हुई, तो लोग अमूमन सो रहे होंगे उस समय। तो जब इस तरह की घटनाएं होती है, तो जब काफी अधिक मात्रा में आदमी इसको एक्सपोज होता है तभी उसकी मौत होती है। लेकिन आम तौर पे जो अगर एक बार आपको एक्सपोजर होता है तो ये मेटाबोलाइज होके निकल जाती है शरीर के जरिए। यानी गैस कम खतरनाक थी। जो लोग मारे गए उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके शरीर में नींद में बहुत ज्यादा गैस चली गई थी। आंध्र प्रदेश पुलिस का भी मानना है कि गैस इतनी खतरनाक नहीं थी। अगर ज्यादा खतरनाक होती तो फिर मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। But fortunately, it's not a lethal kind of a gas. It's only that high doses of intake of it may lead to, you know, fatalities. But so therefore, it's not of that kind of a serious concern. Then so far about almost 800 people were evacuated in the morning to various hospitals. Those who were critical were taken to the KGH hospital, the general hospital at Vizag. जिनके हालत गंभीर है उन्हें विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।
यहाँ भी अव्यवस्था ही दिख रही है। एक एक बेड पर दो दो और तीन तीन बच्चे हैं। इस बात का भी शुक्र मनाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से अस्पताल पहले से तैयार थे, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, तो जो लोग अस्पताल पहुंचे उन्हें इलाज मिल पाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भी इस अस्पताल में पहुंचे, लोगों का हालचाल लिया। इससे पहले विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम के लिए जगनमोहन हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे तो उन्हें गैस लीक की वजह से तड़पते लोगों की तस्वीरें दिखाई गई। इन्हें देखकर जगनमोहन भावुक भी हो गए। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो सुबह 5:30 बजे एनडीआरएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम आधे घंटे के अंदर मौके पर पहुंची और राहत का काम शुरू किया। अब एनडीआरएफ की तरफ से पुणे से भी एक विशेषज्ञ टीम भेजी जा रही है। पुणे का जो बटालियन है वो सीबीआरएन या केमिकल के लिए स्पेशलिस्ट सेंटर है और वहाँ के जो कमांडेंट है और उनकी जो टीम है इसमें पारंगत है, तो उन कमांडेंट के लीडरशिप में एक स्पेशल टीम विशाखापट्टनम ग्राउंड एप्रिसिएशन और रिव्यू के लिए भेजी जा रही है, ताकि वहाँ स्थानीय प्रशासन को भी वो एक्सपर्ट एडवाइस दे सके। सरकार के मुताबिक अब सब कुछ नियंत्रण में है। जिन इलाकों में गैस लीक हुई थी वहाँ पानी का स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो गैस नीचे बैठ जाए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये गैस बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बेसिकली जो इससे बचाव के रास्ते बताए गए हैं उसमें ये कि इवैक्यूएशन कर दिया जाए वहां से। दूसरा जो कहा गया है कि क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल होती बहुत जल्दी आग पकड़ती, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको बंद जगहों की तरफ ना ले जाएं, जैसे कि सीवर है, धो के पानी सीवर में ना ले जाएं, सीवर के अंदर एकदम से विस्फोट हो सकता है, तो ये सब चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 20 लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पहले फैक्ट्री बनी और फिर गांव बसा। ये फैक्ट्री 1966 से इस इलाके में है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही इसके आसपास बस गए। बाद में एलजी ने इस फैक्ट्री को टेक ओवर किया, लेकिन अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गैस लीकेज में लापरवाही किसकी तरफ से बरती गई।